get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की पार्टी ने जमकर कमाल किया है और पूरे देश में, जी हां, पूरे देश में तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ का हाल जो है वो बुरा कर दिया है। सबसे पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी जो 230 के तकरीबन में सीटें जीती है और दूसरी जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है जो 99 सीटें जीती है और तीसरी पार्टी अगर किसी की आती है तो वो आती है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव वाली पार्टी, जो पूरे भारत में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ गया, लेकिन कुछ मामले में पीछे रह गए हैं तो वो हम जानते हैं। दोस्तों, बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पिता और पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2017 से अभी तक के हर चुनाव में बुरी तरह हार रहे अखिलेश यादव को मौजूदा लोकसभा चुनाव ने संजीवनी दे दिया है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आखिरी बार साल 2012 में कोई बड़ा चुनाव जीते नहीं थे। उसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 के विधानसभा चुनाव, साल 2019 के लोकसभा चुनाव हो या फिर 2022 में सपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हालांकि 2024 के आम चुनाव में सपा के प्रदर्शन से पार्टी उत्साहित है। अपने स्थापना के बाद अभी तक समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में सबसे ज्यादा जो है वो 36 सीटें जीती थी, साल 2004 में हासिल की थी। वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने एक सीट ज्यादा हासिल कर उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव में सपा के इतिहास की बात करें तो 1996 में 16 जीते थे, साल 1998 में 19 जीती थी, साल 1996 में 26 जीती थी, 2004 में 36 जीती थी, साल 2009 में 23, साल 2014 में 5, 19 में भी 5 सीटें हासिल किया था। समाजवादी पार्टी ने साल 2004 में सबसे ज्यादा 600 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद साल 1998 के चुनाव में सपा 166 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और साल 2019 का ऐसा ही चुनाव था जिसमें सपा सिर्फ 49 सीटों पर इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन एक मामले में पीछे रह गए। हालांकि अखिलेश यादव अपने पिता का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए और वो वोट प्रतिशत का है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह की अगुवाई में सपा ने साल 1998 में सबसे ज्यादा 4.9% मत हासिल किए थे। इस चुनाव में 37 सीटें हासिल करके भी सपा महज 4.58% वोट पा सके है। सपा ने सबसे कम वोट शेयर साल 2019 में हासिल किया था जब उसे महज 2.6% वोट मिले थे। तो ये अखिलेश यादव ने एक बड़ा रिकॉर्ड स्थापित किया है। बाकी इसका अपनी राय बताइए। धन्यवाद।